Hello friends, welcome back to my YouTube channel AS Dance. So friends, जैसे कि आप आपको भी जानते हैं कि तो फ्रांस की सबसे आज के फुरखावत में प्रस्तुत है और आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया है फुरखावत का रावण दहन। आइए और हमारे साथ देखिए कैसा लगता है आपको रावण दहन, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों तूने दर्शन मरने की रट लगाई है? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो ये विजयदशमी का पर्व है ये पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, सिवाय जहाँ पर रावण रहता था उस जगह को छोड़ के। वहाँ पर आज शोक दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर रावण जिस गाँव में रहता था उसकी हो चुकी थी इस वजह से। लेकिन आज हम आइए इस खुशी के पर्व पे खुशी की बात करते हैं। तो जो हमारा ये रावण दहन का प्रोग्राम है ये पूरे हिंदुस्तान में विजय के मतलब सत्य असत्य पे सत्य की विजय के उस पर मनाया जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर हमारे भगवान श्री राम ने रावण का श्री राम जी ने ये प्रूफ किया गया था, ये सिद्ध किया था कि कभी असत्य की विजय नहीं हो सकती, भले ही वो कितना बलवान और कितना ही शक्तिशाली क्यों ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री राम आ रहे हैं और रावण की और राम की बीच में युद्ध प्रारंभ हो चुका है, युद्ध हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे भगवान राम जी कितना प्रयास कर रहे हैं रावण को मारने के लिए और रावण भी कम प्रयास नहीं कर रहा है हमारे भगवान पर वार करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण को सजाया गया है, कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसमें रावण की प्रतिमा को पूरे उसी रूप में उसी छवि में परिवर्तित किया गया है जैसा कि आप देखते हैं रावण की जो कहानियाँ हम सुनते आए हैं, दस मुख और काफ़ी बलवान शक्तिशाली बस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, मतलब इस चीज़ को इस कितने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इस चीज़ को काफ़ी पॉपुलरिटी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। इस उत्सव को भी कितने पावन, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं इस उत्सव को भी हम कितने पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान राम रावण पर वार कर रहे हैं और रावण बिकने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं रावण की मृत्यु हो चुकी है, बस असत्य असत्य की मृत्यु हो चुकी है, सत्य की विजय हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेके रावण को मारने और रावण असत्य पे विजय प्राप्त करने की ठानी थी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण दहन हो रहा है और रावण जल चुका है। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं हम इस पर्व को भी कितने धूमधाम से मनाते हैं और कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ पर लोगों के चेहरों पर इतना उल्लास दिख रहा है फ्रेंड्स, रावण दहन हो रहा है। और आई होप आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते ही हैं यहाँ पर ये जो त्यौहार मनाया जाता है त्यौहार के रूप में ये विजयदशमी जो मनाई जाती है विजय के रूप में, सत्य की विजय के रूप में जो ये दशमी मनाई जाती है, हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है, कितनी बाखूबी और कितनी खूबसूरत तरीके से रावण दहन हो रहा है। यहाँ पर डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और हम आपको बता दें ये हम अभी तक ये पर्व इसलिए मनाते आए हैं कि हमेशा हम चाहते हैं और हम जानते हैं बाखूबी और हमारे ये रगों में बस चुका है कि असत्य की विजय कभी नहीं हो सकती, सत्य के आगे असत्य कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे लोगों के मन में भी काफ़ी उल्लास भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। आई होप आप लोग यहाँ पर देखने आएगा बस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मनमोहक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी भी होती है रावण दहन के बाद यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आपने देखा यहाँ पर रावण दहन हो चुका है और आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, देन कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना तो आप भूल नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।